फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो ये देखिए मैं कहाँ पर हूँ, जहाँ हमेशा यात्रा आपको मिलती हूँ, किचन में। तो मैं बना रही हूँ लंच, आप सभी भी आ जाओ और लंच कर लो, क्योंकि लगभग बन ही चुका है लंच। हमारी अंजलि चली गई अपने घर, क्योंकि मेरी मौसी की तबीयत हो गई अचानक खराब, उसको जाना पड़ा। तो आज शायद अन्नू भी चली जाए, और मैंने अभी चावल वगैरह बना दिए, अभी सैलेड काटूंगी फटाफट। चावल भी बन गए, सब्जी बन गई, रोटी भी बन गई, सब कुछ बना दिया मैंने। और हनी बैठ गया, अभी सुबह से इसको बंद किया हुआ था क्योंकि बहुत शरारते कर रहा था, और मैंने इसको बंद कर दिया था, बांध दिया था। तो अभी इसको खोला है, आ रहा है ही आ रहा है, देख सकते हैं इसको। गाय इधर कितनी खराब है, लोग पता नहीं क्या करते हैं, गाय का दूध वगैरह निकाल लेते हैं, और गायों को खुली छोड़ देते हैं अपनी गायों को। और थोड़ा सा भी गेट खुला छूटा नहीं और गाय फटाफट अंदर आ जाती है। अभी आके हमारे पेड़ खा गई है, मेरे पौधे वगैरह खा गई, तो दो गाय घुस गई थी, पता नहीं किसने गेट खुला छोड़ दिया था, मुझे समझ नहीं आ रहा। और कभी तो थोड़ा बहुत खुला रह ही जाता है, लेकिन एक मिनट के लिए भी थोड़ा सा गेट खुला रहे और गायें तुरंत अंदर आके अटैक कर देती हैं। ये देखिए मेरा कितना अच्छा पौधा खा गई, इस पौधे की क्या हालत कर दी, खा गई इसको पूरा कचरा वचरा। अभी इनकी भी शामत आनी थी, लेकिन ये वगैरह बच गए। मेरी अपराजिता पे कितना सुंदर फ्लावर आया, ये देखो। और भी आएंगे बहुत सारे, नहीं तो इनका भी नंबर लगना था। पेड़ भी खा जाने थे, लेकिन मेरे को, मैं जैसे किचन में गई तो मेरे को थोड़ी सी आवाज सुनाई थी, तो बच गए, नहीं तो गायें पूरे खराब कर जाती, पेड़ खा जाती। इसको देखो आप, हनी क्या हो गया, क्या है, जीप क्यों निकाल रहा बाहर? तो पहले मैंने इधर दूसरा सोफा लगाया था, फिर हस्बैंड से आने से पहले मैंने दूसरा सोफ़ा यहाँ पर सेटिंग किया हुआ था, फिर मैंने कल फिर माइंड चेंज हो गया, फिर मैं यहाँ से वो दूसरा वाला सोफ़ा हटा के दूसरे रूम में किया, और ये वाला कर दिया यहाँ बेडरूम में, क्योंकि बेडरूम में भी सिटिंग एरिया होना चाहिए ना एक बैठने के लिए, क्योंकि हमेशा ही बेड पर थोड़ी ना लेटे रहेंगे, बैठने के लिए भी होना चाहिए। तो फिर यहाँ पर मैंने ये दो कुर्सियाँ लगा दी सोफ़े वाली, तो एक टेबल लगा दिया छोटा सा, तो किस दिन दिखाऊंगी। बहुत मेरी सिस्टर सो रही है, और हनी को भी देखिए आप कैसे बैठ गए। हमारे इधर चिड़िया ने बच्चे दिए हुए हैं, ये चिड़िया काल रहा है, लेकिन ये इसमें ना कुछ चींटियां सी बैठ गई थी, हमने इसको निकाल के यहाँ से ये देखो यहाँ पर रख दिया है, ये देखो इसको यहाँ पर हमने घोंसला बना के। और इसकी ना जीप पे कुछ अटक गया था, अभी हमने सेट किया, ये देखो कितना सुंदर पक्षी है। मार्केट हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, अभी रात को ले रहे हैं कुछ सामान। आ जाओ जिस जिसने खाना है ढोकला यहाँ से, बहुत टेस्टी टेस्टी। पार्किंग, और हम आ चुके हैं कुछ स्पेशल खाने के लिए, क्योंकि हमें लग गई है भूख। और फैमिली रेस्टोरेंट, यहाँ पर मैं पहली बार आ रही हूँ, फर्स्ट बार, अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा यहाँ का। भी गाड़ी पार्किंग करके आएंगे, साइड में लगा के फिर आ रहे हैं। चलो आ जाओ, हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। तो लग गई है कुछ खाने की भूख तलब, नहीं तो मैं अकेली आती हूँ, कभी खाती हूँ, लेकिन आज आए मेरे हस्बैंड, खाए बिना नहीं जाऊँगी, कुछ ना कुछ खा के जाऊँगी। और बच्चों के लिए करवा लेंगे पैक, क्योंकि बच्चे नहीं आए हमारे साथ। देखते हैं अंदर जाके अंदर क्या क्या है, क्या क्या नहीं है।
इतने में तो बहुत सुंदर लग रहा है। इतने रंग में जल्दी आ लड़की अंदर। तो ये देखिए हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर पहुंच चुके हैं और इसका बाहर का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है, मुझे तो बहुत सुंदर लगा देख के। तो फिर हस्बैंड बोल रहे थे कि अंदर चलो बैठने के लिए, मैंने कहा थोड़ा सा बाहर पहले घूम लेते हैं फिर चलते हैं अंदर तब तक। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर की तरफ और देखते हैं सेपरेट बैठते हैं या कहाँ बैठते हैं जहाँ हमें अच्छा लगेगा। तो ये हम चेक कर रहे थे कि क्या क्या खाने में मंगवाना है, तो हस्बैंड देख रहे थे, तो क्योंकि हमारा कुछ नहीं रहता कि मैंने अलग खाना है उन्होंने अलग खाना है, हमारी लगभग एक ही पसंद है चीज़ें खाने की तो जो भी है। और मेरी सिस्टर उनके हस्बैंड भी हमारे साथ आए थे क्योंकि उन्होंने भी शॉपिंग करनी थी कुछ, तो इसलिए। तो ये देखो मेरी सिस्टर बैठी हुई है और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, ये अपने फ़ोन में व्यस्त है। तो यही होता है, ये आ गए मलाई चाप, तो ये वेज मंचूरियन नहीं सॉरी वेज नूडल्स, मंचूरियन तो आ रहे हैं अभी, और ये खा रहे हैं इंजॉय। आज मैं अपने हस्बैंड को अपने हाथ से खाना खिलाऊँ, बहुत दिन हुआ मेरे हाथ से खाना नहीं खाया मेरे को तो कभी नहीं खिलाते पता है। बहुत ही अच्छा सुंदर और साफ़ सुथरा रेस्टोरेंट है और हमने खाना वगैरह भी ऑर्डर कर दिया था। तो चलो अभी हम खाना खुना खा के जा रहे हैं, बच्चों के लिए करवा लिए पैक क्योंकि बच्चे नहीं आए हुए थे हमारे। बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, फैमिली रेस्टोरेंट, मुझे करेंगे हम मिल बैठे हैं जब। हाँ गाड़ी इधर ही ले आइए आप, हम यहीं पर खड़े रहते हैं। आलू कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये बहुत ही अच्छा। पहुंच गए हैं घर में, गेट के अंदर।